अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू बुखारे की चटनी बनाएंगे जो कि अमूमन हम शादियों में खाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने एक कप आलू बुखारा लिया था और उसको मैंने एक घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। एक कप चीनी चाहिए होगी और स्पाइसेस में हाफ टी स्पून नमक लिया है, क्वार्टर टी स्पून सुरख मिर्च ली है और तीन इलायची जिसके मैंने सिर्फ सीड्स निकाल कर तो उसको मैंने कूट लिया है, और रेड फूड कलर थोड़ा सा चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा जो हमें चार मगज चाहिए होंगे जो मैंने 2 टीस्पून लिए हैं, रेजन्स भी 2 टीस्पून लिए हैं, और बादाम का छिलका उतार कर 10 से 12 अदद मैंने बादाम लिए हैं। तो ये जो ये मेवा जात हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें ये तीनों मेवा जात इस्तेमाल होते हैं। तो मैं अब इसका आलू बुखारे का पानी निकाल लूँगी और मैं 2 कप मैयर करके पानी शामिल करूँगी पैन में और चीनी, और इसको पकने के लिए रखूँगी। 2 कप पानी मैंने ले लिया है और मैं अब इसमें चीनी भी शामिल कर दूँगी। आपने आलू बुखारा जिस पानी में भिगोया है वही वाला पानी इस्तेमाल करना है और उसको फेंकना नहीं है। चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो गई है तो मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी जिसमें नमक, सुरख मिर्च और छोटी इलायची पिसी हुई शामिल है। चाहें तो एक चुटकी गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और स्पाइसेस आपने शामिल नहीं करने। अब हम खीरे को 3-4 मिनट पकने देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो। अब 3-4 मिनट हो गए हैं तो मैं इसमें आलू बुखारा भी शामिल कर दूंगी और साथ ही बादाम शामिल कर दूंगी, और इसके साथ साथ जो हमारे मेलन सीड हैं 4 मगज वो भी शामिल कर दूंगी। किशमिश अभी ऐड नहीं करनी, वो एंड पे ऐड करेंगे। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे यहाँ तक के हमारे आलू बुखारा भी गल जाए और शीरा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर अभी ये लाइट है, तो हम थोड़ा सा इसमें इसका और खुशनुमा रंग करने के लिए इसमें 1-2 ड्रॉप्स फूड कलर के डाल देंगे। आप ये देखिए अब इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब आप देखिए तो आलू बुखारा भी बहुत फूल गया है, ये देखिए साइज इसका तकरीबन डबल हो गया है और शीरा भी हमारा गाढ़ा हो गया है। आप ये देखिए, आपने इसे बिल्कुल गाढ़ा नहीं कर लेना क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये खुद से और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर अब हमने, मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और मैं इसमें जो रेजन्स हैं शामिल कर रही हूँ और इसको निकाल लेती हूँ अब डिश में। तो आलू बुखारे की चटनी तैयार है, आप इसका टेक्सचर और इसका कलर देख सकते हैं इसमें से वाज़े तौर पे कि ये अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई लेकिन ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। और अगर आपको चीनी कम लगे तो आप थोड़ी सी 3-4 टेबलस्पून और डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने भी 1 कप से के बाद इसमें 3 टेबलस्पून और चीनी डाली है। और इसके अलावा आलू बुखारे को आपने भगो के रखना है, और अगर आप वैसे ही शामिल कर देंगे तो आलू बुखारा ऊपर से तो पकेगा लेकिन अंदर तक वो सही तौर पर वो फूलेगा नहीं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा शुरू में ही गाढ़ा नहीं कर लेना क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे आपको मेरे आने वाली हर रेसिपीज़ फ़ौरन मिल जाया करेंगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।